अरे भैया आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं? लगता है मतलब गलती से दब गया होगा। कोई बात नहीं। माधव, छोटी छोटी गलतियां तो सभी भूल जाते हैं, पर जहां रिश्ते गहरे होते हैं ना, वहां दिल भी बड़ा होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जो कुछ भी हुआ इस घर में, उसकी वजह से हम दोनों भाइयों के रिश्ते कभी खराब नहीं होने चाहिए। भैया, अगर आप सब कुछ भूल चुके हैं तो हमें भी कुछ याद नहीं। बस ये याद है कि इस घर का हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए खड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अच्छा मतलब पुलिस वाले तुम्हें अगर कुछ भी बताए तो हमें जरूर बताना। जी भैया। ठीक है माधव, हम चलते हैं। भैया पानी। संग्राम भैया तो बिना पानी पिए ही चले गए। शक अब यकीन में बदल गया है। ये सब हरकतें किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रही है और ये सब लोग उसमें शामिल हैं। इसका मतलब कि संग्राम भैया किसी खास मकसद से हमारे कमरे में गए थे और उन्होंने वहां से आने के बाद थम्स अप भी किया। मतलब कि उन्होंने कुछ कर लिया है, लेकिन क्या? अच्छा तारा, माई कहाँ है? अरे आप माई को छोड़िए यहाँ से, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। काम एकदम फर्स्ट क्लास हुआ है। हमने सोफे के नीचे कोचरे छुपा दिए हैं। अब सरोजा बहू घर की नागिन साबित हो जाएगी। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अपने आप को बहुत होनहार और समझदार बहू बनती फिरती है ना। अब देखना उसके मुंह पर ऐसी कालिक पुतेगी ना, पूरी जिंदगी उसकी गर्दन ना हवा में झूलती नजर आएगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मायने तुम्हें कुछ बताया कि साधुलाल कब आ रहा है? अरे साधुलाल आ जाएगा ना, आप इतना चिंता मत कीजिए। साड़ी तो पहचान लेगा ना? ये क्यों नहीं पहचान लेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा बड़ा काम है जो गलती करेगा? हमें जरूरत से ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। एक बार काम सलट जाने दो, उसके बाद खुशियां मनाना। अरे आप बिना हद करते हैं, मैं कोई बात छोड़ी हुई? अरे तारा रानी, समझने की कोशिश करो। हम उस साड़ी के बारे में गवाही नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सारा षड्यंत्र साधुलाल पे टिका हुआ है, क्योंकि उसी ने उस औरत को भागते हुए देखा था वहां से, सरोजा के अलावा। मतलब इस घर में सरोजा बहू। लेकिन अगर साधुलाल ने गलती से भी गलती कर दी ना, सारा बंटाधार हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका बंटाधार नहीं होगा। कितने स्मार्ट है ना। देखिए आप मंजू दीदी के लिए साड़ी खरीद कर लाए, अभी किसी को कुछ पता चला? नहीं पता चला ना। और आपकी प्लानिंग की वजह से आदित्य यूं ही गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला, है ना? तो बस आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे आप खुश हो जाइए, अब तो हम दोनों के ना इस महल में ना बस याशी करने के दिन शुरू होने वाले हैं। अब बस हम ऐश करेंगे और कुछ नहीं। ठीक कह रही हो तारा रानी, अब सरोजा ऐसे फंसेगी ना,
पानी भी नहीं मांग पाएगी। और माधव उसकी याद में कहीं का नहीं रह जाएगा। सरोजा बहू, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें कलावती से माफी मांगनी चाहिए। कलावती कहाँ? जी भटके बाबूजी, वो तो चाय बनाने गई हैं, बस आती होंगी। तो ठीक है, बैठक में ही बात होती है। बाबूजी, बस हम एक मिनट में आ रहे हैं। नहीं बहू, कई बातें डालने से बहुत देर हो जाती है। बल्कि तुम कलावती को लेकर खुद बैठक पे आओ। और हाँ, हमारे लिए चाय भी लेती आना। जी बाबूजी। सारी विस्तार के बीच महाराजा जी कुछ ही देर में अपनी दरबार लगाएं और कुछ ही देर में हमारा मोहरा भी आ जाए। आते ही सारी संतनत पलट कर रखते। बेचारी सर, उसके पैरों से तो जमीन ही खिसक जाएगी। और इस घर की असली महारानी बनेगी हमारी तारा रानी। सच? पर ये कब होगा? हमसे तो सच का इनाम और इंतजार ही नहीं हो रहा है। बस तारा, कुछ ही घंटों की बात है। 6 बज रहे हैं, 7 बजे हमारा मोहरा आ जाएगा। साधु दुर्गा, फिर देख। अरे तो कमरे में भी नहीं, कहाँ चले गए? घर में इतनी बड़ी साजिश चल रही है, उनके सिवा हम बताएं भी तो किसे? वो साड़ी ढूंढते हैं जो संग्राम बहन ने यहाँ छिपाई है।